ईडीएन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को पुणि थरे स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट फोर रो पाठ निर्वाचन प्रतिनिधित्व टॉपिक रो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर तीन मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर एवं गोटे वाक्य उत्तर दिए प्रश्न उत्तर विषय रे। तबे वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत पूरा देख एवं वीडियो को लाइक करो। जदि कौन डाउट सजेसन रहे कमेंट करी जनाओ। तबे निर्वाचन प्रतिनिधित्व पाठटीर प्रथम एमसीक्यू प्रश्नटी हेउची भक्स पॉपुली भक्स देई माने जनसाधारण इच्छा ही ईश्वर इच्छा यह किए कही प्रश्नटी पुणि थरे भक्स पॉपुली भक्स देई माने जनसाधारण इच्छा ही ईश्वर इच्छा यह किए कही। तबे चारोटी ऑप्शन हला ऑप्शन एक लास्की ऑप्शन दुई ब्राइस ऑप्शन तीन रुसो एवं ऑप्शन चार जॉन लॉक। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन तीन रुसो। रुसो कही जे भक्स पॉपुली भक्स देई माने जनसाधारण इच्छा ही ईश्वर इच्छा। परवर्ती प्रश्न रे संविधान क्यों धारा रे भारत निर्वाचन आयोग गठन और कार्यावली वर्णना करपसन गुड़िक एक धारा 320 ऑप्शन दुई धारा 324 ऑप्शन तीन धारा 326 एवं ऑप्शन चार धारा 352। तबे यार उत्तर हला ऑप्शन दुई धारा 324। संविधान धारा 324 रे भारत निर्वाचन आयोग गठन और कार्यावली वर्णित हो। प्रश्न तीन रे भारत निर्वाचन आयोग रे मोट केतेज सदस्य अटंती निर्वाचन आयोग जो गठित हो भारत रे से मोट केतेज सदस्य अच्छा तेज ऑप्शन गुड़िक होला क एक जन ख दुई जन ग तीन जन एवं घ पांच जन। तेज यार उत्तर ऑप्शन क तीन जन भारत निर्वाचन आयोग रे मोट तीन जन सदस्य अच्छा। परवर्ती प्रश्न रे संविधान क्यों धारा रे सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा संबंध में उल्लेख अच्छी आमर जो सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कथा उल्लेख कराकि 18 वर्षर अधिक नागरिक माने निर्वाचन में अंशग्रहण कर भोट दे निजर प्रतिनिधि को बाछी जाती से ही कथा संविधान भारतीय संविधान क्यों धारा उल्लेख कर। तेज ऑप्शन गुड़िक होला क धारा 324 ऑप्शन ख धारा 326 ऑप्शन ग धारा 330 एवं ऑप्शन घ धारा 352। तबे यार उत्तर हला ऑप्शन ख धारा 326। भारतीय संविधान धारा 326 रे सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा संबंध में उल्लेख अच्छी। परवर्ती प्रश्न रे भारत रे जड़े केते वर्ष बयस रे भोटर होती माने भोट देवार अधिकार पाई केते वर्ष हेल्ले जड़े नागरिक भाव में भोट देवार अधिकार पाई। तेज ऑप्शन गुड़िक होगा क 18 वर्ष ख 20 वर्ष ग 21 वर्ष एवं घ 25 वर्ष। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन को 18 वर्ष। भारत रे जड़े 18 वर्षर अधिक हेले से जड़े भोटर होती भोट देवार अधिकार पाई। परवर्ती प्रश्न रे क्यों संविधान संशोधन आईन भारत रे भोटर मानक बयस को 21 रु 18 वर्ष को कमाई अच्छी माने जिते बड़े प्रथम भोट देवा अधिकार कथा आलोचना करागला से भारतीय नागरिक मान बयस को 21 वर्ष रखा जाता एवं 21 वर्ष रु ऊर्ध वयस्कर नागरिक मैंने ही भोट दे पारे कितु जितेबले संविधान को संशोधन करागला एवं से 21 वर्ष रु 18 वर्ष को कमे दिगला तेरे ता भारत केम संविधान संशोधन द्वारा होठार प्रश्न पचराई। ऑप्शन गुड़िक होगा क 42तम ख 44तम ग 52तम एवं घ 61तम। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन घ 61तम। 61तम संविधान संशोधन आईन बल रे भारतर भोटर मानक बयस को 21 रु 18 वर्ष को कमे दि जाए। परवर्ती प्रश्न रे स्वाधीन मत व्यक्त करिवार अधिकार क्यों धारा रे वर्णित अच्छी। तबे ऑप्शन गुड़िक होगा क धारा 14 ख धारा 18 ग धारा 19 एवं घ धारा 32। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन ग धारा 19। भारतीय संविधान धारा 19 रे जड़े व्यक्ति निजर मत व्यक्त स्वाधीन भाव में करके रोक लगे पार
नाही। तबे ये थिला एमसीक्यू प्रकार प्रश्न उत्तर। बर्तमान आम आलोचना करवा शून्य स्थान पूरण कर प्रश्न उत्तर। ते प्रथम प्रश्नटी हूँ संविधान ड्याश धारा रे भारत निर्वाचन आयोग गठन और कार्यावली वर्णित होती। तेरे यार उत्तर होला धारा 324। भारतीय संविधान धारा 324 रे निर्वाचन आयोग गठन और कार्यावली वर्णित होती। प्रश्न दुई रे भारत निर्वाचन आयोग रे मोट ड्याश जन सदस्य अछंती। यार उत्तर होची 3 जन। भारत निर्वाचन आयोग रे मोट 3 जन सदस्य अछंती। प्रश्न तीन रे संविधान रो ड्याश धारा रे सार्वजनिक साबालक भोट प्रथा संबंध में उल्लेख अछि। तेबे उत्तर होला धारा 326। भारतीय संविधान रो धारा 326 रे सार्वजनिक साबालक भोट प्रथा संबंध में उल्लेख अछि। प्रश्न चार रे भारत रे जणे ड्याश वर्ष वयस रे वोटर होइथांती। तेबे उत्तर होला 18 वर्ष। भारत रे जणे 18 वर्ष वयस रे वोट देबार अधिकार पांती बा वोटर होइथांती। प्रश्न पाँच रे ड्याश संविधान संशोधन आईन भारत रे भोटर मानक वयस को 21 रु 18 वर्ष को कमाई अछि। तबे यार उत्तर होची 61 तम संविधान संशोधन आईन भारत रे भोटर मानक वयस को 21 रु 18 वर्ष को कमाई दिया जायछि। प्रश्न छ रे स्वाधीन मत व्यक्त करिवार अधिकार ड्याश धारा रे वर्णित। तबे यार उत्तर होला धारा 19 स्वाधीन मत व्यक्त करिवार अधिकार 19 धारा रे वर्णित। परवर्ती प्रश्न रे भारत राष्ट्रपति आयुक्त मानू डैश नियुक्त करती। भारत निर्वाचन आयुक्त मानू डैश निजुक्ति करती। भारत जो निर्वाचन आमर अच्छी आयोग अच्छी से जो मैंने निजुक्ति पाए से किए निजुक्ति करती। तेज तार उत्तर है राष्ट्रपति। तेरे ये शून्य स्थान पूरण प्रश्न उत्तर। बर्तमान आम आलोचना करवा प्रत्येक प्रश्न उत्तर 2 किंवा 3 वाक्य उत्तर प्रदान कर। प्रश्न उत्तर जार मूल्य रुई मार्क। तबे प्रथम प्रश्नटी हूँ गणतंत्र रे निर्वाचन रो गुरुत्व कौन। तबे यार उत्तर होला जे गणतंत्र रो सफलता पाई निर्वाचन अपरिहार्य विशेष करी परोक्ष गणतंत्र रे निर्वाचन माध्यम रे नागरिक माने सेमानंको प्रतिनिधि निर्वाचित करिथांती। एही निर्वाचन प्रतिनिधि माने देशर शासन परिचालना करंती। तेणु करी गणतंत्र रे निर्वाचन रो गुरुत्व रहिछि। प्रश्न 2 रे भारतर निर्वाचन आयोग किपरि गठित होइथाय। तबे यार उत्तर होला जे भारत संविधान 324 धारा अनुसार भारतर एक निर्वाचन आयोग रही। जणे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दुई जण निर्वाचन आयुक्त को नहीं गठित। माने मोट 3 जण अछंती सेतिमध्य जणे मुख्य एवं आउ 2 जण उपमुख्य अटंती। निर्वाचन आयुक्त माने राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होइथांती बा नियुक्ति होइथांती। प्रश्न 3 रे भारत निर्वाचन आयोग मुख्य कार्य कौन। तबे यार उत्तर होला जे भारत निर्वाचन आयोग मुख्य कार्य होला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल पर मुक्त अबाध और निरपेक्ष निर्वाचन परिचालना करिबा। 2 रे निर्वाचन मंडली गठन करिबा राजनीति दल को स्वीकृति देवा और संकेत प्रदान करिबा। 3 रे निर्वाचन फलाफल घोषणा करिबा। ए सबुजाक काम होची भारत निर्वाचन आयोग मुख्य काम। बर्तन आम आलोचना करवा प्रत्येक प्रश्न उत्तर 6 वाक्य प्रदान कर जार मूल्य 3 मार्क अटे। प्रथम प्रश्नटी होची जे निर्वाचन आयोग गठन कौन। तेब यार उत्तर होला जे भारत पर एक गणतांत्रिक राष्ट्र रे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसदर उभय गृह और राज्य विधानमंडल प्रतिनिधि मानू निर्वाचित करने एक मुक्त अबाध निर्वाचन परिचालना करने निमित्त भारत एक निर्वाचन आयोग रही। माने आम देश में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तत्सहित MLA MP एवं आमर जो रही कॉर्पोरेटर काउनसिलर बा चेयरमैन ये सब जगह जो निर्वाचन हुए ये सब निर्वाचन गठन संगठन करने आम निर्वाचन आयोग रही। आ भारत संविधान 324 धारा अनुसार भारत राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को मनोनीत करिथांती बा नियुक्ति देइथांती। निर्वाचन संक्रांत समस्त नीति और समस्त निष्पत्ति एही निर्वाचन आयोग स्थिर करिथाय। निर्वाचन दिन और कार्यसूची राजनैतिक दलगुड़िक स्वीकृति माने जो राजनैतिक दल नुआरे गठन करिवे ताहाकु निर्वाचन आयोग स्वीकृति देबे हाँ ये गोटे राजनैतिक दल अटे बोली गोटे चिन्ह प्रदान करेंगे जो चिन्ह द्वारा से माने निर्वाचन लड़ी पारे। त
तथा निर्वाचन आचरण विधि और निर्वाचन परिचालना पाई आवश्यक कर्मचारी और पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग द्वारा स्थिर होता है। प्रश्न दुई रे निर्वाचन आयोगर भारत निर्वाचन आयोगर मुख्य कार्य कौन तेरे उत्तर है जे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल मुक्त अबाध और निरपेक्ष निर्वाचन परिचालना करिबा निर्वाचन आयोगर काम। द्वितीय रे निर्वाचन मंडल गठन करिबा राजनीति दल को स्वीकृति देवा और संकेत प्रदान करिबा। तृतीय निर्वाचन फलाफल घोषणा करिबा माने वोट ग्रहण सरिबा पोरे केउ दल विजय हला बा केउ दल परास्त कला केउ दल मंत्रिमंडल गठन करिबो ताहा निर्वाचन आयोग घोषणा करंती। चारि रे निर्वाचन प्रार्थी मानंकर प्रार्थी और निर्वाचन प्रार्थी मानंकर प्रार्थी और राजनैतिक दल पई आचरण विधि स्थिर करंती। पांच रे निर्वाचन सुपरिचालना पई आवश्यक कर्मचारी और पर्यवेक्षक नियुक्ति करंती। तबे एई सब काम होउछि भारतीय निर्वाचन आयोगर मुख्य काम। तापरे रहिला सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कौन तेब उत्तर है जे भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था रे नागरिक मानंकु शासन क्षेत्र रे सामिल करिया पई सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलित होउछि। संविधान रो भारतीय संविधान 326 धारा अनुसार 18 वर्ष रु ऊर्ध प्रत्येक भारतीय जाति धर्म वर्ण लिंग भाषा धनी दरिद्र निर्विशेष रे निजर मत सब्यस्त अधिकार करिवार अधिकार पाइछंती। फळरे प्रत्येक भारतीय नागरिक संसद और राज्य विधानमंडल निर्वाचन रे भोट दे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे सामिल होती। यह व्यवस्था सार्वजनीन साबालक भोट प्रदान नाम रे परिचित। यहाँ द्वारा भारत रे समस्त प्रकार वैषम्य रो विलोप करा जाइछि माने भारत रो 326 धारा अनुसार जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष 18 वर्ष रु अधिक वयस नागरिक माने भोट दे निजर प्रार्थी मानंकु निर्वाचित कर पारंती। यहाँ को ही सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कहा जाए। तेरे बर्तमान आम आलोचना कले निर्वाचन और प्रतिनिधि पाठटीर तीन मार्किया विशिष्ट प्रश्न उत्तर MCQ प्रश्न उत्तर तथा शून्य स्थान पूर्ण प्रश्न उत्तर और गोटे बा दुईट वाक्य उत्तर दिए प्रश्न उत्तर विषय में। आशा करे यह सब तुम परीक्षा उपयोगी हो पार तुम परीक्षा प्रस्तुति साहय कर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल।